आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। एक ऐसी संस्कृति जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत बल्लभाचार्य जी, विठ्ठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परलक्षित होता है। वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा बल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थी। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रहीं। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गईं, जहां रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गईं। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम,